दोस्तों आज विजय हजारे ट्रॉफी में दो क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। पहले दोस्तों आंध्र प्रदेश के साथ गुजरात के बीच में धुआंधार मैच जारी है। फिर दोस्तों कर्नाटक टीम के साथ केरला टीम के बीच में महत्वपूर्ण मुकाबला खेला जा रहा है। एक बार फिर से देवदत्त पाडिक्कल और आर समर्थ ने इस मैच में पिछले मैच जैसा ही लाजवाब प्रदर्शन दिखा चुके हैं। आइए दोस्तों इस वीडियो में कर्नाटक टीम का प्रदर्शन पहले 25 ओवर में कैसे रहा है मैं अभी आपको शेयर करता हूँ। ये मैच खत्म होने के बाद आपको दोनों मैच का हाईलाइट इसी चैनल से मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप देवदत्त पाडिक्कल को एक अच्छे क्रिकेटर मानते हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा। बता दो दोस्तों इस मैच में केरला टीम का कप्तान सचिन बेबी ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला लिया। जवाब में दोस्तों एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स ग्राउंड न्यू दिल्ली का स्टेडियम में फिर से देवदत्त पाडिक्कल और आर समर्थ के बीच में शतकीय साझेदारी देखने को मिला। केवल 10 ओवर में कर्नाटक टीम ने अपने आधा शतक बनाया। दोस्तों 15 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाकर कर्नाटक टीम ने 74 रन बनाया। 15 ओवर तक यहाँ पे आर समर्थ ने आधा शतक जड़ दिया था। समर्थ ने यहाँ पे 45 बॉल में अपने आधा शतक जड़े। तो दोस्तों 15 ओवर तक देवदत्त पाडिक्कल ने 29 गेंदों का सामना करते हुए 38 रन जोड़े। बता दोस्तों 20 ओवर तक कर्नाटक टीम ने अपने शतक पूरा किया। कर्नाटक टीम का होके दोनों ही दिग्गज क्रिकेटर आधा शतक जड़ डाले। अभी दोस्तों 25 ओवर का खेल खत्म हो चुका है जहाँ पे बिना कोई विकेट गंवाते हुए दोनों दिग्गज अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। बता दोस्तों देवदत्त पाडिक्कल यहाँ पे 7 चौके और 2 छक्के की मदद से 57 रन का नाबाद पारी खेल रहा है और आर सामद ने यहाँ पे 3 छक्के और 11 चौकों की मदद से 72 रन बनाकर खेल रहे हैं। दोनों दिग्गज के बीच में अभी तक 26 ओवर तक 131 रनों का साझेदारी हो चुका है। अब दोस्तों ये जो मैच है इस मैच में वर्ल्ड क्रिकेट टीम का भी कई क्रिकेटर शामिल है। जब दोस्तों मनीष पांडे और चेन्नई सुपर किंग का स्टार क्रिकेटर कृष्णा पा गौतम शामिल है। इनके अलावा दोस्तों वर्ल्ड क्रिकेट टीम का धुआंधार गेंदबाज श्रीसंत टीम का महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। दोस्तों केरला टीम में अच्छे प्रदर्शन करने वाले विकेट कीपर संजू सैमसन और रवीन उथप्पा भी है। तो एक कांटे की टक्कर का मैच होगा और दोस्तों जाहिर सी बात है एक बहुत बड़े टोटल की तरफ यहाँ पे कर्नाटक टीम जा रहा है। यहाँ पे देख कर तो ऐसे लग रहा है ये मैच एक 350 से ऊपर का मैच होगा और वो भी चेस हो सकता है क्योंकि दोनों ही टीम अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों चलिए दूसरे मैच के बारे में बात किया जाए। यहाँ पे गुजरात और आंध्र प्रदेश के बीच में मैच अभी चल रहा है। दोस्तों यहाँ पे गुजरात टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। अरुण जेटली स्टेडियम न्यू दिल्ली में खेले जा रहा है इस मैच में अभी तक 27 ओवर का मैच हो चुके हैं जहाँ पे गुजरात का टीम ने अपने 27 ओवर में 123 रन बनाकर खेल रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे ध्रुव रावल और पीके पंचाल के बीच में पहले विकेट के लिए 33 रन का साझेदारी हुआ जहाँ पे दोस्तों पहले विकेट यहाँ पे KV शशिकांत को मिला जहाँ पे ध्रुव रावल ने 18 रन बनाकर आउट हुए। तो अभी का स्थिति के अनुसार पीके पंचाल अर्धशतक जमा कर खेल रहे जहाँ पे उन्होंने 57 रन बनाकर हिट के साथ बैटिंग कर रहे हैं। तो दूसरा विकेट राहुल वी शाह के रूप में 36 रन पे गिरा। उनका विकेट ललित मोहन को मिला। तो दोस्तों अभी भी ये दोनों मैच खत्म होना बाकी है। मैच खत्म होने दीजिए तब उसके बाद मैं आपको डिटेल हाईलाइट शेयर करूंगा। सपोर्ट करिएगा, वीडियो पसंद आने पर लाइक करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।